अगस्त का महीना लगभग खत्म हो चुका है और सितंबर का महीना शुरू होने वाला है। अगले महीने से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इनमें से कई बदलाव आपकी जेब को हल्का करने का काम करेंगे, जबकि कुछ नियम आपके लिए फायदे की सौगात लेकर आएंगे। ऐसे में आपको सितंबर आने से पहले इन नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी जिंदगी और जेब पर पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि 1 सितंबर से आपकी जिंदगी में कौन कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं। पीएफ नियमों में होगा बदलाव। 1 सितंबर से प्रोविडेंट फंड से जुड़े नियमों में जरूरी बदलाव किए गए हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो ये बदलाव जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 सितंबर से अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ तो आपकी कंपनी आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर पाएगी। दरअसल ईपीएफओ ने ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को 1 सितंबर 2021 से पहले आधार कार्ड को यूएएन नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, नहीं तो यूनिवर्सल अकाउंट में पीएफ क्रेडिट नहीं हो पाएगा। चेक क्लियरिंग सिस्टम में होगा बदलाव। अगर आप भी चेक से पेमेंट करते हैं तो ये बदलाव आपके लिए जानना जरूरी है। 1 सितंबर से 50,000 रुपए से ज्यादा का चेक जारी करना आपको परेशानी में डाल सकता है। दरअसल बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करना शुरू कर दिया है। ज्यादातर बैंक 1 सितंबर से पीपीएस को लागू करने जा रहे हैं। एक्सिस बैंक अगले महीने से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है। बदल जाएंगी एलपीजी की कीमतें और सिलेंडर मिलने का समय। 1 सितंबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आ जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें तय होती हैं। इसके अलावा धारानौला गैस सर्विस की ओर से गैस वितरण का समय बदल जाएगा। ये बदलाव नगर समेत ग्रामीण इलाकों में गैस बांटने के समय में किया गया है। पीएनबी सेविंग्स अकाउंट पर घटेगा इंटरेस्ट। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को अगले महीने से जोरदार झटका लगने वाला है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक 1 सितंबर 2021 से बचत खाते में जमा पर ब्याज दर में कटौती करने वाला है। यह जानकारी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से मिली है। बैंक ने बचत खातों पर ब्याज दरें सालाना 3% से घटाकर 2.90% करने का फैसला किया है। बैंक के इस फैसले का असर नए और पुराने दोनों ग्राहकों पर पड़ेगा। बदल जाएगा कार इंश्योरेंस का नियम। मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 1 सितंबर से जब भी कोई नया वाहन बिकेगा तो उसका बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए। ये इंश्योरेंस 5 साल की अवधि के लिए ड्राइवर, पैसेंजर और वाहन के मालिक को कवर करने वाले इंश्योरेंस के अतिरिक्त होगा। आपको बता दें कि बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस में वाहन के उन हिस्सों को भी कवर मिलेगा जिनमें आमतौर पर बीमा कंपनियां कवर नहीं देती हैं। OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा महंगा। भारत में OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 1 सितंबर 2021 से महंगा हो जाएगा। इसके बाद यूजर्स को बेस प्लान के लिए 399 की जगह 499 रुपए देने होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो यूजर्स को 100 रुपए ज्यादा भुगतान करना होगा। इसके अलावा 899 रुपए में यूजर्स 2 फोन में ऐप को चला सकते हैं। साथ ही सब्सक्रिप्शन प्लान में SD क्वालिटी मिलती है। इसके अलावा 1,499 रुपए वाले प्लान में आप 4 स्क्रीन पर इस ऐप को चला पाएंगे। अमेजन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में होगी बढ़ोतरी। अमेजन डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लॉजिस्टिक कॉस्ट में इजाफा कर सकती है। इससे 1 सितंबर 2021 से अमेजन से सामान मंगाना महंगा हो जाएगा। ऐसे में 500 ग्राम के पैकेज के लिए आपको 58 रुपए देने पड़ सकते हैं। वही रीजनल कॉस्ट 36 रुपए 50 पैसे होगी। कई ऐप्स पर लगेगी रोक। गूगल की नई पॉलिसी 1 सितंबर 2021 से लागू हो रही है। इसके तहत फेक कंटेंट को प्रमोट करने वाले कई ऐप्स पर 1 सितंबर से बैन लगा दिया जाएगा। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि ऐप डेवलपर्स की ओर से लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे ऐप्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। दरअसल गूगल प्ले स्टोर के नियमों को पहले से ज्यादा सख्त किया जा रहा है। वहीं गूगल ड्राइव यूजर्स को 13 सितंबर को नया सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। इससे इसका इस्तेमाल पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। GST रिटर्न पर नया नियम लागू होगा। जिन कारोबारियों ने पिछले 2 महीनों में GSTR 3B रिटर्न दाखिल नहीं किया है वे 1 सितंबर से बाहर भेजे जाने वाली आपूर्ति का ब्यौरा GSTR 1 में नहीं कर पाएंगे। GSTN का कहना है कि केंद्रीय GST नियमों के तहत नियम 59/6 1 सितंबर 2021 से अमल में आ जाएगा।
ये नियम STR-1 दाखिल करने पर बैन लगा सकता है। ऐसे कारोबारी जो तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं, अगर उन्होंने पिछले टैक्स पीरियड के दौरान फॉर्म GSTR-3B में रिटर्न नहीं भरा है, तो उनके लिए भी GSTR-1 भरने पर रोक लगेगी। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो 1 सितंबर से होने जा रहे हैं। इनका सीधा असर आपकी जिंदगी और जेब पर पड़ेगा, इसीलिए जरूरी है कि आप इन नियमों के बारे में जान लें और इनका सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लें।